डील या ढील, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर शोर। क्या मियां नवाज शरीफ को वापसी के लिए ढील मिली या फिर हुई डील? सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। नवाज शरीफ डील करके वतन वापस आ रहे हैं, सीनियर सियासतदान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ डील करके वतन वापस आ रहे हैं। चलिए हम ये कहानी 20 वर्ष पहले से शुरू करते हैं। 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी। पहले नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, फिर हुई एक डील जिसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। लंदन में मिसाके जमहूरियत के नतीजे में नवाज शरीफ की फिर मुल्क वापसी हुई, लेकिन हुकूमत सिर्फ पंजाब की ही मिली। ताहम 2013 में इक्तदार मिला तो वही पुरानी लड़ाई फिर चल पड़ी। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर जेल भेज दिया गया। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने जेल से निकाल कर लंदन पहुँचाया था। अब नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी पर फिर से एक डील हो रही है। वो डील क्या होगी जानेंगे अगली वीडियो में। जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि डील का लफ्ज़ नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं है।